हेलो दोस्तों, आदिका मॉम किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पोहा से डोनट, यानी कि चूड़े से टिक्की भी आप बना सकते हैं। हम डोनट बनाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने ये चूड़ा लिया था, इसको मैंने 2-3 मिनट पानी में भिगो के और फिर मैंने इसको छान लिया है। ये देखिए जो है ये बिल्कुल फूल गए हैं। और मैंने ये 2 आलू जो है उसको बॉयल करके मैश कर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। ये प्याज है जो बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया है। ये हरी धनिया है। ये गरम मसाला लिया है। ये थोड़ी सी हल्दी है। ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है। ये 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लहसुन का ऐसे ही पेस्ट है। और ये नमक है। और ये हम जीरा का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये पोहा यानी कि जो चूड़ा है उसको हम एक बाउल में ले लेंगे और फिर इसमें हम ये आलू वो भी इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा जीरा लाल मिर्च पाउडर हल्दी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट है वो गरम मसाला डाल के पहले थोड़ा मैश कर लेंगे। फिर इसमें ओनियन यानी कि प्याज और धनिया और नमक डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैश हो गया। तब इसमें हम प्याज नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे और ये धनिया की पत्ती डाल के अब इसको भी अच्छे से बिल्कुल मैश करना है। ये देखिए दोस्तों, जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके अब डोनट बनाने की शुरुआत करेंगे। डोनट बनाने के लिए हम ऐसे टिक्की बना के और इसको हम ऐसे कर लेंगे और जो है ये इसको साइड से भी हम बराबर कर लेंगे। डोनट जो होता है वो ये थोड़ा थोड़ा टूटेगा, तो अभी इसको हम मैदा और अब इसको हम डोनट हमारा ये तैयार है। तो हम इसके लिए एक और प्रोसेस करें। ये जो हम थोड़ा सा मैदा लिए हैं इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के एक पतला सा, ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, एक नॉर्मल घोल तैयार कर लेंगे। जैसे ये घोल जो है वो रेडी है, तब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। और इसमें यह डोनट को डाल के, सारे जो डोनट है उसको डाल के और हम लोग उसको निकाल लेंगे। इससे जो है डोनट को जो हम तलेंगे तो वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं। दोस्तों, कढ़ाई अब जो गर्म हो गई है तो इसमें हम एक एक करके डोनट को डाल देंगे। और इसको तुरंत चलाएंगे नहीं जब तक थोड़ा ये रेड ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये जो धीरे धीरे है ये हल्का लाल हो गया है, तब इसको हम कलर देंगे। या कलर बहुत सुंदर आता है वो कश्मीरी शिमला मिर्च जो होती है ना लाल वाली, उसको डालने से जो होता है इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो अब इसको हम निकालेंगे। जो हमारा डोनट है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए दोस्तों, डोनट है वो बिल्कुल रेडी है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बना है। तब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो डोनट है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, आप भी बनाइए, ट्राई करिए। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए प्लीज़। ओके, बाय।